गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रीड करेंगे एक पैराग्राफ जो कि हिंदी में लिखा गया है और इसका टाइटल है नाग पंचमी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कमिंग मंडे को नाग पंचमी है और नाग पंचमी इंडिया में बहुत ही धूमधाम से मनाए जाने वाला हिंदुओं का प्रसिद्ध फेस्टिवल है। और इस फेस्टिवल में नागों की पूजा की जाती है, उन्हें दूध पिलाया जाता है, उन्हें खीर खिलाई जाती है, उन्हें दूध और कच्ची लस्सी से स्नान कराया जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है, अलग अलग तरह से अलग अलग परंपराओं के अनुसार नागों की इस दिन पूजा की जाती है। तो ये पैराग्राफ नाग पंचमी पर ही है, जिसमें नाग पंचमी कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और ये पैराग्राफ इस बार हिंदी में है। आई एम डैम श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। एंड इफ़ आपको भी ऐसा लगता है तो जल्दी से जाइए लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। आइए इसको रीड करना स्टार्ट करें। नाग पंचमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? नाग पंचमी हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है या फिर प्रसिद्ध त्यौहार है भी लिख सकते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता या सर्प, नाग देवता को सर्प भी कहते हैं, की पूजा की जाती है, क्योंकि नाग देवता और सर्प, सांप, ये सब एक ही जैसे हैं। इस दिन नाग देवता या सर्प की पूजा की जाती है और उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है। ओके, कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। अब ये वो कहानी है जिसके आधार पर नागपंचमी मनाई जाती है। और इस कहानी में बताया गया है कि नागों की पूजा से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, धन धान्य संपत्ति और सर्व सारी चीज़ों से घर परिपूर्ण हो जाता है। और इसी के कारण नागपंचमी पूरे भारतवर्ष में हिंदुओं द्वारा धूमधाम से मनाई जाती है। तो हमने अब तक की कहानी में पढ़ा कि एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। आगे इसको पढ़ते हैं। 7ों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, यानी कि सबसे छोटे पुत्र की जो पत्नी थी वो काफ़ी संस्कारी और काफ़ी आज्ञाकारी थी, परंतु उसका भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगीं। आखिर बड़ी बहू ने कहा था तो छोटी बहुएं उसकी बात कैसे टाल सकती थी। तो सभी ने क्या करा, डलिया लिया और खुरपी से लेकर मिट्टी खोदने लगीं। ठीक है, तभी वहाँ एक सर्प निकला। अब मिट्टी खोद रही थी तो मिट्टी खोदते खोदते एक सांप वहाँ से बाहर निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, इसे मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। क्योंकि सबको पता है छोटी बहू सर्वगुण संपन्न है, आज्ञाकारी है, काफ़ी संस्कारी है, तो उसको लगा कि इस सर्प की तो इसमें कोई गलती नहीं है, कि भाई मिट्टी में वो रहता है और अगर मिट्टी को खोदा जाएगा तो वो उसमें से बाहर ही आएगा। तो उसने बोला कि इसको मत मारो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो निरपराध है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, जैसे ही हम किसी जहरीले जानवर को देखते हैं या फिर किसी कीड़े को देखते हैं तो हम उसे मारना शुरू कर देते हैं। हम यह नहीं सोचते कि हमने उसके रहने के स्थान को छेड़ा है तो वो बेचारा खुद घबरा गया है और इधर उधर कहीं और जगह ढूंढ रहा है रहने के लिए। ऐसे में उनको पकड़कर उनके लिए जो स्थान बनाए गए हैं वहाँ पर छोड़ देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप उनको मारो। तो छोटी बहू ने क्या कहा कि इसे मत मारो, यह निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। सर्प ने भी सोचा, यार जान बची। तब छोटी बहू ने उससे कहा, यहाँ पे कहा आएगा, कहा नहीं है, सॉरी मैं इसको ठीक कर लेती हूँ, अब ये ठीक हो गया है, मैंने वाइटनर लगा दिया है। छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम कहीं मत जाना। यह कहकर वह मिट्टी लेकर घर चली गई।
अब छोटी बहू ने सांप को कहा कि तुम यहीं रुको, हम अभी आती हैं, और वह घर चली गई। सभी की सभी बहुएं वहां कामकाज में व्यस्त हो गई और वो सर्प से और जो सर्प से वादा किया था उसे भूल गई। अब घर जाकर तो होता है कि बहुत सारे कामकाज होते हैं, उनमें व्यस्त हो जाते हैं सभी लोग, और सर्प से किया हुआ वादा भूल गई। अब आप बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, मेरा पैराग्राफ कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे सपोर्ट करो, अभी जाओ प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो। क्योंकि जब मैंने ये चैनल स्टार्ट करा था तो सब बोलते थे कि यूट्यूब में एजुकेशन चैनल कौन देखेगा, लेकिन इस टाइम हमारी फैमिली 1,22,000 की है, इतने मेंबर्स हो गए हैं हमारी फैमिली में। एंड थैंक्स टू एवरी वन जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा और मेरी फैमिली मेंबर बन गए हैं। लेकिन अभी भी व्यूज़ काफ़ी कम आते हैं, जिससे मुझे डीमोटिवेशन मिलता है और बाकी लोग कहते हैं हमने तो पहले ही कहा था कि इस चैनल को कोई नहीं देखेगा। प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोग इन्हें देख सकें। एंड कमेंट में अगर कुछ भी आप लिखते हो, किसी और टॉपिक पे भी आपको कोई वीडियो चाहिए, तो मैं सबके कमेंट्स डेली पढ़ती हूँ और उस पर वीडियोज़ भी बनाती हूँ। ओके, आइए इसको आगे रीड करते हैं स्टोरी को। उसे जब दूसरे दिन याद आया, वह तुरंत सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची। अब सेकंड डे उसको ध्यान आया कि भाई वो तो एक दिन पहले सांप को वादा करा था कि तुम रुको और हम अभी आते हैं, और वो जाना भूल गई। लेकिन दूसरे ही दिन जैसे याद आया तो सबको लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को वहाँ देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। अब सर्प को उसने क्या बोल दिया, भैया, क्योंकि उसका कोई भाई नहीं था। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठा वादा करने वाले को मैं डस लेता। अब भाई सर्प के भी उसूल हैं, अगर झूठा वादा कोई करेगा तो सर्प उसको डस लेगा। लेकिन उसने भैया कहा तो सर्प ने उसको छोड़ दिया। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। सर्प बोला, अच्छा, आज से हम दोनों भाई बहन हैं। कुछ दिनों के बाद सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया। किसके घर आया? अपनी बहन के, दैट मीन्स छोटी बहू के। और बोला, मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते का भाई हूँ, बचपन में बाहर चला गया था, उसके विश्वास दिलाने पर घर वालों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं सर्प हूँ, तू डरना नहीं, मार्ग में जहाँ चलने में कठिनाई हो मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने कहा कि मैं काम से बाहर जा रही हूं, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे ध्यान नहीं रहा और उसने गर्म दूध सर्प को पिला दिया। जैसा कि हम ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, दूध गर्म करके पीते हैं, लेकिन सांप जो है वो ठंडा दूध ही पीता है, वो गर्म दूध नहीं पी पाता है। सर्प का मुंह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह चुप हो गई। तब सर्प ने कहा, बहन को अब घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और आइए देखते हैं आगे क्या किया। तब सर्प तक हम पढ़ चुके थे। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र भूषण आदि देकर उसे घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो मनुष्य बनकर उसने बहन को सारी चीज़ें सोने की बनवाकर लाकर दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा कि झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने बहन को सोने की झाड़ू भी लाकर दी। अब बहन भी काफ़ी धनवान हो गई, सारी वस्तुएं सोने की हैं, इवन झाड़ू भी सोने की है। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार लाकर दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह बोली कि उसे वह हार चाहिए। राजा ने छोटी बहू के पति से हार मांगा और उसके पति ने राजा के भय से वह हार राजा को दे दिया। यह देखकर छोटी बहू रोने लगी और अपने भाई को याद करने लगी। सर्प के आने पर उसने प्रार्थना की, कुछ ऐसा करो रानी
जब यह हार पहने तो सर्प बन जाए और जब मैं पहनूं तो वापस हीरो का बन जाए। सर्प ने कहा कि ऐसा ही होगा। उधर रानी ने जब वह हार पहना तो वह सर्प बन गया। सभी बहुत डर गए। अब गले में सर्प है, ऑब्वियसली सभी डरेंगे। राजा ने तुरंत छोटी बहू को बुलाया। राजा ने उससे पूछा, यह क्या जादू है, जल्दी बताओ नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा करें, यह ऐसा ही है। जब मैं पहनती हूँ तो हार बन जाता है, पर जब कोई और पहने तो सर्प। राजा बोले, तो इस सर्प को पहनकर दिखाओ। जैसे ही छोटी बहू ने उसे पहना, वह हीरो मणियों का चमकता हुआ हार बन गया। राजा को यह देखकर विश्वास हो गया और प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं उपहार में दी। जब छोटी धन लेकर घर पहुंची तो बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति से कहा सॉरी गाइस, आज मेरा गला बैठा हुआ है, कि छोटी के पास इतना धन कैसे आया। यह सुनकर छोटी को बुलाया और पूछा, तुम्हें इतना धन कौन देता है। अब छोटी के ऊपर प्रश्न उठने लगे हैं। तब छोटी ने सर्प को याद किया। तभी सर्प प्रकट होकर बोले, यह मेरी धर्म बहन है, अगर किसी ने इसके आचरण पर संदेह किया तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी का पति अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बहुत सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। अब ये लास्ट पैराग्राफ है जिसमें मैं बताऊंगी कि इसको जनरली कैसे सेलिब्रेट करते हैं। वैसे तो अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह से सेलिब्रेशन होती है, बट ये जनरल सेलिब्रेशंस के कुछ रूल हैं। एंड उससे पहले कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अभी जाके लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। और जो नए हैं, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में क्लिक कर दीजिए बेल का आइकन, सो दैट हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए आपको प्रायर बेसिस पर। और आप अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में अपने नीस को, नेफ्यू को, अपने कजन्स को, अपने बच्चों को, सभी को जिनको शेयर करना चाहते हैं, सबसे पहले इन वीडियोस को शेयर करें। आइए इसको रीड करते हैं। इस दिन प्रातः उठकर स्त्रियां घर की सफाई कर नित्य क्रम से निवृत्त हो जाती हैं। उसके पश्चात स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं। इस दिन व्रत रखकर सांप को खीर खिलाई व दूध पिलाया जाता है। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, दूध से स्नान कराया जाता है, तो स्नान जो होता है वो सांप के, जो शिवलिंग के ऊपर सर्प बना होता है, उससे लोग स्नान कराते हैं दूध से। इस दिन सफ़ेद कमल पूजा में रखा जाता है, तो कमल जो पूजा में रखा जाता है वो स्पेशली सफ़ेद रंग का रखते हैं इन दिनों में लोग। कुछ शहरों में नागपंचमी से एक दिन पूर्व ही खाना बनाया जाता है और इस दिन बासी खाना खाया जाता है। अब कुछ शहरों में ऐसा भी है कि एक दिन पहले नागपंचमी में जो जो भोज होता है, ज़्यादातर लोग मीठा खाते हैं इस व्रत में, उसको एक दिन पहले बना लिया जाता है और अगले दिन बासा खाना ही खाया जाता है। तो ये था नागपंचमी का डिटेल में पैराग्राफ। आई एम डैम श्योर यू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।